Happy birthday. Parang puja Jagat Guru Swami Shankaran Charya Ji Maharaj. यहाँ मंच में उपस्थित भारत के वरिष्ठ संतगण सबको प्रणाम करते हुए मैं दो शब्द बोलने के लिए यहाँ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। भारत के संत हमेशा समाज को दिशा निर्देश देते हुए आए हैं। जब भी देश के ऊपर किसी भी तरह का संकट आया, संत हाथ बांधे के बैठे नहीं, समाज में कूद के समाज का काम करते हुए आए हैं। वो चाहे प्राकृतिक आपदा हो या मनुष्यकृत अपराध हो, संत हमेशा धर्म के पक्ष में, सत्य के पक्ष में, न्याय के पक्ष में खड़े रहे हैं। और सेवा का प्रकल्प इतना विस्तार रूप से करते आ रहे हैं, ये भारत की गरिमा है। आज हमारे सामने दो मुद्दे हैं। एक तो शबरीमला का जिसका प्रस्ताव आ गया, जिससे काफी लोगों को तकलीफ हो रही है। दूसरी बात अयोध्या के बारे में, जिसका अभी नई फैसला नहीं आया, उसको लेके भी लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। मगर मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, भारत का गरिमा, भारत की गरिमा है हमारा उच्च न्यायालय। हम सब उच्च न्यायालय को सम्मान करते हैं, उनके वाणी को, अपना आदेश को अपना लेते हैं। शबरीमला की बात जहां आती है, मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा, भारत हमेशा स्त्री शक्ति को सम्मान करते हुए आए। यहाँ पहले माता का प्रणाम करते, फिर पिता का, और स्त्री सशक्तिकरण में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय संस्कृति हमेशा माताओं को मानते हुए आई है। मगर कुछ ऐसी मंदिर है जहाँ एक प्रथा चली आ रही है, क्या 41 दिन का व्रत करके ही लोग पहले शबरीमाला जाया करते थे, और जो 41 दिन का व्रत जो कर सकते थे उन्हीं लोगों को वहां ऊपर जाने की अनुमति थी। अब जो महिलाओं मासिक धर्म के अंतर्गत रहती थी, उनको वो असंभव था। इस कारण से सनातन परंपरा में बहुत सदियों से ये बात चली आ रही है वहां पर। मगर अब ये जो भक्त नहीं मांग रहे हैं शबरीमला जाना, पहले तो हमने उसका स्वागत किया, क्यों हम हमेशा कहते कि स्त्री पुरुष को कभी हमने भेद नहीं किया, हमारे तो अर्धनारी ईश्वर की पूजा करते हुए आए हैं हमारे देश में। पर जब उसकी गहराई में गए, ये पता चला तो मासिक धर्म की महिला को भी वहां जाने के लिए इजाजत का अनुमति चाहने की, ये जो सुर निकला है ये भक्तों से नहीं निकला है। हमारे यहाँ सूतक, जब सूतक होता है या पातक होता है या मासिक धर्म होता है, कोई मंदिर नहीं जाता, ये एक नियम है। जैसे मुसलमानों में हज में जाना हो तो बिना सिला हुआ कपड़े पहन के जाते हैं, गुरुद्वार जाते हैं तो सिर ढक के जाते हैं। आप इन बातों को प्रश्नार्ह बना देना, फिर भारतीय संस्कृति को फिर देखना पड़ेगा, इसको कैसे, इसका असर कैसे पड़ रहा है जनमानस पर, इस पर विचार करने पड़ेगा। केरल में समाज में बहुत मात्रा में महिलाएं खड़ी हो गई, बोले कि हम 50 साल तक इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद ही हम जाएंगे। एक बड़ा आक्रोश का लहर उठ गया समाज में। मुझे पूरा विश्वास है हमारे उच्च न्यायालय वो रिव्यू पिटीशन को लेगी, और लोगों की जनमानस भावनाओं को नजर में रखते हुए इस पर पुनर्विमर्श करेगी, ये पूरा मुझे विश्वास है।
संतों का काम ये होता है जहाँ आग लग जाती है वहां ठंडक पहुंचाना है, उसको ठंडा करना, जहाँ ठंडे पड़ जाते हैं वहां आग लगाना है। जगाना भी काम है, शांत करना भी अपना काम है। इस देश में संत समाज क्रांतिकारी काम करते हुए आए, शांति के दूत भी बने हैं और क्रांति के पथ पर भी चले, क्रांति भी लाए। समाज में बहुत सारे अंधविश्वास और रूढ़िगत जो आदतें थी उन सब को दूर करने में संत समाज कसर नहीं छोड़ी, हमेशा आगे बढ़ती रही, हमेशा उसमें नेतृत्व समाज ने लिया है। तो अभी आप रहा हमारे पास, आप कहते कोई हम जूता पहन के जाएंगे जी मंदिर के अंदर, किसी को स्वीकार नहीं है। क्यों? किसी हाँ किसी किसी धर्म में जूता पहन के जा सकते हैं, वहां वो लोग प्रार्थना करते हैं, विदेशों में सब जगह कोई जूता नहीं उतारता, मगर भारत का वो परंपरा नहीं है। हम चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जैन मंदिर हो, कहीं भी हो, जूते उतार के, मस्जिद भी जूते उतार के घूम जाके वहां प्रणाम करते हैं। ये जो परंपरा है इसमें कोई सुधार लाना भी है वो सिर्फ संत ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये संतों के दायित्व है, संतों के ऊपर है। अब आया राम मंदिर की बात, पिछले साल निर्मोही अखाड़ा के महंत जी रामचंद्र दास जी वृद्ध संत बेंगलोर आश्रम पधारे थे, उनके आंखों में आंसू कि हम मंदिर देख भी पाएंगे क्या, मेरा आयु 90 साल का हो गया, वो सारे पूरे रिकॉर्ड लेके आए थे कि ये सब रिकॉर्ड है, हमारे मन की आकांक्षा है मंदिर देख। हमने कहा देखे हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, बातचीत करेंगे, बातचीत के जरिए हो जाए तो उससे और अच्छा कुछ नहीं। तो सारे संत समाज के सामने तीन विकल्प है, एक तो हम बातचीत को बनाए रखना चाहिए, हम बातचीत करते रहना चाहिए, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए हम उनसे विनती करें इसको शीघ्रातिशीघ्र इसका फैसला बताएं, तीसरा है सरकार से अनुरोध करें वो कदम उठाएं। इन तीनों में से किसी भी तरह से हमें ये जो ज्वलंत मुद्दा है भारत देश में 500 साल से अधिक समय हो गया, इस आशा जो किरण है लोगों के दिल में, जो आशा है, देखिए संत तो जहाँ बैठते वही तीर्थ है, जहाँ लेटते वही मंदिर है। संतों के लिए मंदिर की जरूरत नहीं है, मगर आम जनता के लिए, भारत की जनता चाहती है हमें ऐसे एक मंदिर, भव्य मंदिर बने। इस आकांक्षा पर हम संवेदनशील रहें और भारत की जनता की जो चाह है, इच्छा है, वो पूरी करने के लिए हम प्रयत्न और प्रार्थना दोनों अपनाएं। इतना ही कह करके मैं आप सबको यहाँ जितने मंच में आसीन संत गण हैं इनको भी प्रणाम करते हुए और यहाँ सभा में जितने भी हैं आप सबको मेरा नमन। जय श्री राम, जय भारत। मीडिया को रोकने भैया, थोड़ा जगह बनाए रखिए भैया। And will you talk to BJP regarding this? I mean, because they are in the government, sir. Arey, today.
Thank you.